हेलो, मैं हूँ अभी माजुली और माजुली घूमने के लिए आ रहा था। और आफ्टर 7 मंथ के ब्रेक के बाद मैं फिर से ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। और ये ब्लॉग जो है बीच से शुरू हो रही है क्योंकि मैं आ रहा था परसों ही माजुली पर, लेकिन मेरा जो ब्लॉगिंग है वो मैं भूल चुका था और ये इसलिए मुझे ये बीच में से शुरू करना पड़ रहा है। फिलहाल तो मैं माजुली पर आ चुका हूँ और एक किसी घर के घर में रुका हुआ हूँ और अभी चलेंगे माजुली एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक मैं माजुली एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ माजुली में आ गया था कल और अभी हम एक्सप्लोर करने के लिए चलेंगे माजुली की कुछ ऐसे जगह और आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो अभी बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, देखिए वो है मेरे बाइक जिस बाइक को लेकर आ रहा था मैं। तो इस घर में रुका था मैं कल, तो अभी कुछ ही देर बाद चलेंगे, लेकिन बारिश को देखो अभी आना। और एक तो यहाँ की एक लोकल लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो ही जानते हैं कि माजुली में कहाँ कहाँ क्या देखने की चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं उसको ले जा रहा हूँ साथ में। तो वो दिखाएगा मुझे कि कहाँ पर क्या चीज़ें जो देखने लायक हैं। तो फिर अभी वेट करते हैं इस बारिश को रुकने के लिए। तो बाइक तो पूरा ही नहा चुका है बाइक। तो ये है कुछ इस घर का नज़ारा। खाना वाना खा के तो मैं रेडी हो चुका हूँ, लेकिन बारिश को देखो। साल में होते हैं 365 और मैं आ रहा था सिर्फ एक दिन के लिए और उसी दिन आना था इस बारिश को। मतलब इसी दिन क्यों भाई, और सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे। अगर बारिश नहीं रुके ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, भीग भीग के चलेंगे हम, कसम से बता रहा हूँ। तो बारिश अभी भी रुका नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धूप जो है निकल के आ चुका है। तो मैं इसके घर आ चुका हूँ, तो वो अंदर चले गए उधर, जो घर का मालिक है, जो यहाँ का लोकल, तो उसके साथ हम जाएंगे। देखो धूप तो बहुत ही निकल चुका है अच्छे से, तो अभी हम चलेंगे। और रुकते रुकते तो 12 ही बज चुके हैं। नाम बता दो एक बार आपका नाम। जिंदू सैकिया। जिंदू सैकिया। तो ये तामुल पान, और तामुल पान खाएंगे अभी, तो बहुत ज़्यादा ही निकल गए हैं अभी। देखो तो तामुल पान खाएंगे अभी। हुआ कि नहीं भाई, एक घंटे से बाइक ही साफ करने जा रहे हो भाई, कब चलेंगे हम लोग? धूप आके फिर से बारिश आ जाएगा यार। चलो चलो जल्दी चलो भाई। तो अभी इंजॉय कीजिए माजुली के कुछ खूबसूरत नज़ारे। रास्तों की नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, और मतलब माइंड ब्लोइंग व्यू है यहाँ पर। चारों ओर सिर्फ ग्रीन और हवा बहुत ही नरम, मतलब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप खुद देख लीजिए। कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो उन तीनों ने मुझे यहाँ पर ले आया है पहले। तो यहाँ पर एक नदी है, तो ये रहा मैं, और ये बाइक जब तक मैं नहीं छोड़ता तब तक मैं कैमरा नहीं कर पाता हूँ। तो ठीक है, इस वाली घर को दिखाने के लिए लाया है वो तीनों ने मुझे, तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है। और पीछे है ये नदी, और उस पार देखो वो बड़ी सी एक, क्या बोलो, देखो उस पार ये क्या लगा हुआ है, बड़ी सी ये मुखरा, पता नहीं किसका है, लेकिन बहुत ही सुंदर है ये वाली नज़ारा। और कसम से रास्ते के नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या करूँ यार, कैप्चर नहीं कर पाते हैं जब बाइक लेकर आते हैं, क्योंकि गोप्रो नहीं है ना मेरे साथ। तो ठीक है, अभी इसके अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर की। तो बाकी ये तो मैं घर फोटोज़ में देखा करता था पहले, तो अभी खुद आया हूँ उसके अंदर, तो बाइक रहने देते हैं यहीं पर। चलो फिर अंदर चलते हैं। तो ये घर देखो क्या बनाया है इन लोगों ने, तो ये झाड़ू लगा रही है। भाई सुंदर है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है।
बहुत ही सुंदर है ये सारे घर। वाह, ये मूर्तियाँ, ये घर, ये लोग हैं जिस लोगों ने के साथ में आया था। है अरे ये कुर्सियाँ हैं, देखो किस तरह से बनाया। भाई सुंदर तो है लेकिन ये सिर्फ एक रिजॉर्ट है जो मैं अंदर से नहीं दिखवा क्योंकि अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, जो भी है इतना ही काफ़ी है। तो अभी चलो फिर कहीं अलग सी जगह देखते हैं। तो हम लोग फिर से वापस चले आए हैं, जो हुआ बाहर से ही देखा जितना हो सके। तो ये तीनों लोग मुझे मजुली घुमाने के लिए लाया है और ये तीनों मजुली की लोकल है और हम इन तीनों के साथ मजुली घूमने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पर जो ये रूट देखो बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर रुक के थोड़ा सा फोटो खींच लिया। और ये कुछ बोलना चाहता है तो ये नज़ारा देखो बहुत ही सुंदर है। तो चलते हैं अभी वापस से। अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं ये वाली लोकेशन, ये है अवनिया 17 और बाइक हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये हमारे पार्टनर है जो अंदर जा सके हैं, तो हम भी जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो है सोस उतारना पड़ेगा इधर क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यह गेट, ये पढ़ो। और हम यहाँ पर उतारेंगे हमारी सूस। इसलिए मैं जो लेस नहीं रहता है वो वाली सूस पहनता हूँ। तो गेट के अंदर से आ चुके हैं, तो इसका नज़ारा कुछ है ऐसा। लोग तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो हम पहली बार मजुली में, ये एक टूरिज्म पार्ट है तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो हम भी एक टूरिस्ट के हिसाब से ही आ रहे हैं। हालांकि हम असम के अंदर का ही है लेकिन ये वाली जगह जो है हमारे कंप्लीट अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो हम भी टूरिस्ट क्या है वही हैं। तो चलो फिर अंदर एक्सप्लोर करते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। और जो वीडियो है एक पार्ट के हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों, क्योंकि जानते ही है बाइक चलाते वक्त मैं कोई कैमरा नहीं कर सकता। एक पानी का टैंक है, हाँ अच्छा है लोकेशन। और भी अंदर देखते हैं भाई क्या क्या है। तो इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी। ब्यूटीफुल, हाँ भाई बहुत बड़ा है ये। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप लोग देखते रहना इसके अंदर का व्यू, ठीक है। शोर शराबा हो जाएगी तो भाई अच्छा नहीं लगेंगे। इसके अंदर जो सुगंध है और जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी है वो मतलब दिल को सुकून देता है यार। वेरी ब्यूटीफुल। किस पेड़ का लकड़ी है बता सकते हैं क्या? मैं बाद में बता दूंगा आपको, फिर ये वीडियो देख लो। और ये है तुलसी वाली गस की लकड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े।
तुलसी का पेड़ हम लोग पीछे आ चुके हैं। तो देखो इसका घर कितना बड़ा है, उधर पीछे से देखो दूर तक नज़र ही नहीं आएंगे, और आगे भी देखो कितना बड़ा है ये। तो ये इसका जो तालाब है साइड में, वो तो अभी इसका एक चक्कर लगाने वाले हैं हम लोग। तो ये है सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारे स्क्रिप्ट है इधर, सब फौना का सब आसामीस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी एक रूम के अंदर आ चुके हैं, अभी इसके अंदर जाएंगे। और ये लोग जो है अंदर जा चुका है, लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा है, तो इसलिए मैं वहाँ पर फिगर नहीं बन सका। तो उन लोगों को कैसे एक स्क्रिप्ट चाहिए भावना के लिए, तो उसे इसीलिए वो अंदर जा चुके हैं। और मुझे भी अंदर जाना है, लेकिन देखना है क्या है, कुछ नहीं, ऐसे घर है। तो जाते हैं बाहर फिर से। ये जो सब स्क्रिप्ट है आसामी, इसमें लिखा हुआ है हाय लोग। सारे मतलब सर्टिफिकेट और सभी आसामीस में है, अपने पत्र आसामीस दिल्ली से भी इसका पुरस्कार मिल चुका है। ये मतलब पता नहीं किस के कारण मिला है, रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल लैंग्वेज टीचर से लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल लैंग्वेज अखिल भारतीय और अभी मैं आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि वो लोग जो है वो स्क्रिप्ट को सेल्स करने के लिए गए हुए हैं। तो मैं क्या करूँ, वो रहे गेट, क्योंकि आप लोगों को गेट जो है वो नहीं दिखा पाया, उधर है अवनियादी छत्र, तो इसलिए हमें फिर से गेट तक चला आया। और हमारे वीडियो जो है वो कुछ ऐसा अच्छा नहीं बना है, मुझे पता है, ठीक है, ऐसे ही देख लो। अभी तक समाप्त जो है नहीं। तो अभी इंजॉय कीजिए माजुली के कुछ खूबसूरत नज़ारे, रास्तों की नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, और मतलब माइंड ब्लोइंग व्यू है यहाँ पर, चारों ओर सिर्फ ग्रीन, और हवा बहुत ही नरम, मतलब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप खुद देख लीजिए।